नमस्कार, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ पेपे डालना, जिसके लिए मैंने पपीता को पहले से बॉईल कर रखा है। आलू की रिक्वायर्ड है। टेम्परिंग के लिए मुझे एक तेज़पत्ता, लाल सूखी मिर्च, जीरा, हींग, अदरक और मैंने पेस्ट बना रखा है सूखे मसाले की, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, हल्दी और लाल मिर्च के। अब मैं तड़का दे रही हूँ। तड़के में पहले 1 टीस्पून जीरा, 1 सूखी मिर्च, तेज़पत्ता, 1 पिंच हींग, 1 चुटकी भर हींग, आप इसमें आलू डाल दीजिए। आलू को थोड़ा सा लाल भुनना है। देखिए आलू भुन चुका है। अब आप 1 टीस्पून अदरक दीजिए। अदरक जैसे भुन जाए तो अपना पेस्ट क्या हुआ जो मैंने, इसको आप डाल दीजिए अंदर। देखिए मसाले से पानी, तेल, मसाले से अभी तेल छूट गया है। अभी आप इसमें जो पार बॉयल आपका पपीता है, कच्चा पपीता, उसे आप डाल दीजिए। अब आप इसे अच्छी तरह मिक्स कर दीजिए। अच्छी तरह मिक्स कर दीजिए। देखिए आपने सारा मिक्स कर दिया। अब आप 1 ग्लास बॉयल वाटर, उबला हुआ पानी दीजिए अपने अंदाज से, जितनी आपकी करी की रिक्वायरमेंट है। आपके आलू पक जाए, अब आप इसमें नमक अपने अंदाज से दीजिए। और चीनी भी अपने अंदाज से दीजिए कितना है। जिसको चीनी की रिक्वायरमेंट नहीं, वो चीनी ना डाले। देखिए पपीता का डालना बन गया है। आप अगर चाहें तो इसमें आप गरम मसाला, घी या हरी धनिया से गार्निश कर सकते हैं, लेकिन मैं ऐसे ही प्रिफर करती हूँ क्योंकि इसमें एक अलग ही एरोमा और टेस्ट आता है। पेपे डालना आपका बन गया है। देखिए अगर आपको अच्छा लगे तो आप एक बार ज़रूर ट्राई करें। आप अपने चावल, रोटी, जो आपको पसंद है उसके साथ आप खा सकते हैं।